ये हाथ का कोई ना ऐसे दो उंगलियां टू थ्री ये लॉक है क्या है अगर ये पंच को नहीं होगा लॉक उसके बगैर पंच वेस्ट है ये लॉक कर रहे हैं ऐसे हो गया लॉक ऐसे बन गया सबका पंच ऐसे इससे पंच हमें नहीं मारना है ठीक है ना अगर हम इससे पंच मारेंगे तो ये टूट जाता है ठीक है ना अगर हम इससे पंच मारेंगे इससे खतरा नहीं है ठीक है ना क्या बन गया अभी पंच ठीक है ना ऐसे ग्रिप भी बनती है पंच भी बनता है जब आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी ना जब आप जब मार्शल आर्ट में जाओगे जब आप फाइट करोगे जब आपकी अगर आप किसी को पकड़ना होगा ना ऐसे तो ये इस पर जोर लगता है ना कुछ इस पर टेक्निक लगती है आप ऐसे किसी को पकड़ोगे ऐसे वो खुद गिर जाएगा ठीक है ना है ना ये टेक्निक हो रही है क्या हो रही है ठीक है ना अब हम आएंगे पंचिंग पोजीशन में इसमें आएंगे हम पंचिंग पोजीशन में देखो पंचिंग की बहुत सारी पोजीशन है अभी हम पहली पोजीशन सीखेंगे ऐसे जहाँ मेरे पैर है वहीं मेरे कंधे रहेंगे ऐसे ठीक है ना ऐसे आ जाओ सारे अब ऐसे राइट वाला राइट और दायां दायां राइट वाला दायां दायां हाथ पांच से आएगा ठीक है ना ये टूटता है ये टूटता है पांच से आता है ठीक है मैं वन बोलूँगा अब वन बोलूँगा मैं ठीक है टू ऐसे ये अब आप बोलोगे वन ये आगे आएगा ठीक है ना ये टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन ठीक है ना टच नहीं करना है इसमें गैप रखनी है ऐसे एक पंच ही गैप ठीक है ना ऐसे वन उसके बाद टू फेस हो गया क्रॉस ऐसे भी फेस के आगे नहीं रखना है फेस क्रॉस हो जाएगा ये पूरा दिखना चाहिए हाँ ऐसे ये फिर थ्री अगर कामयाबी करनी है किसी इलाके की कोई तरक्की है तो तालीम से होती है जिस इलाके मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आके आज बेहद ही खुशी हो रही है क्योंकि ये तालीम का मसला है और आपके बीच से दो बच्चों ने एक ऐसी मुकाम की शुरुआत की है जो आपको भी आगे एक लेसन देता है कि आपको भी यहाँ से आगे निकल के कहाँ जाना है और आपको एक मंजिल मुकर्रर करनी है इन बच्चों ने राशिद और माजिद रासिक एंड राशिद रासिक एंड राशिद ने जो मुकाम हासिल किया है मैं समझता हूँ कि आप लोग उससे एक प्रेरणा लेंगे एक इंस्पिरेशन लेंगे और ऐसी कई ऊंचाइयों को आगे आने वाले समय में आप लोग हासिल करते रहेंगे मुझे मैं इसके मार्शल आर्ट में चैंपियन रहा हूँ ठीक है तो आप सब लोगों ने यहाँ पे एक बात की बैकवर्ड तो मैं भी एक बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक रखता हूँ ठीक है तो मैं ऐसे सेंसिटिव एरिया से हूँ जहाँ पे आए दिन हालात खराब होते हैं ये 2016 की बात है जब फोकस कर सकते हो और सुपोल्स में भी फोकस कर सकती हो सुपोल्स क्या है सुपोल्स में जो लड़कियां हैं वो गर्ल्स और लड़कियां वो क्या है अगर लड़की कहीं जा रही है चार बंदे उसके पीछे वो खुद को कैसे प्रोटेक्शन करेंगी तो वो हमें सीखना है उस पर हमें फोकस करना है आप यहाँ पे जितने भी बच्चे आपने बोला आधे रजौरी गए एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा कमी रही है और जब भी इस सिलसिले में किसी ने भी यहाँ इस इलाके में कदम उठाया तो इंडियन आर्मी ने उसका बड़ा ताउन किया और कोई भी नई चीज़ जो इस इलाके में आई है उसका जरिया यहाँ इंडियन आर्मी ही बनी है और उन्हीं के जरिए से हर चीज़ यहाँ पहुँची है और उसके अलावा आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये भी इस इलाके के लिए एक नई चीज़ है और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर कोई भी ऐसा काम करने से बच्चे डरते भी है एक खौफ सा दिल के अंदर आ चुका है कि अगर हम कोई कदम उठाए न जाने हमारे ऊपर क्या मसला होगा लेकिन जब इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरह की बात आई तो जाहिर सी बात है कि बच्चों ने एक नया चीज़ देखा एक नया कदम शुरू हुआ इस इलाके के अंदर तो मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा बच्चों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा
कि इस इलाके के अंदर तालीम की कमी है, खेल की कमी है, बाकी चीज़ों की कमी है। ये एक देहाती सा माहौल था, लेकिन इस माहौल को बदलने में जब भी यहाँ कोई कदम उठाया तो इंडियन आर्मी तरफ से ही हुआ है। और इस वक्त अगर हमारे स्कूलों के बच्चे किसी बाहर जगह पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, उसमें भी इंडियन आर्मी का बड़ा हाथ है, जिन्होंने उस वक्त उसमें तालीम किया है। मार्शल आर्ट ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है कश्मीर का। तो हम जो यहाँ पे खड़ी हुए, यहाँ पे वॉलंटियर आर्मी एसोसिएशन ने जो प्रोग्राम रखा है, तो इसमें हम ये प्रोग्राम करना चाहेंगे कि जहाँ पे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का सेल्फ डिफेंस, और जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में, उनको स्पोर्ट्स की तरफ राकिब करेंगे। तो हम एक नई पाथ बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो ये स्पोर्ट्स में जाए। जैसे आपने यहाँ पे सुना है कि ये एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें। कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मज़ीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873108158।